टीम में भी काफ़ी गर्ल्स हैं जो बहुत इंटरेस्ट है और बहुत पैशन से हैं। जी हम लोग वी आर ऑप्टिंग फॉर स्टेम एजुकेशन इन स्टूडेंट्स। हम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ नहीं स्कूल्स में जाके जो है स्टूडेंट्स को इंजीनियरिंग एजुकेशन स्टेम से रिलेटेड देते हैं ताकि वो भी इस चीज़ से फैमिलाइज हो जाएँ और उनमें भी इस नॉलेज का मतलब आम हो जाए। हमारे साथ नस्की सीनियर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव अतीका सदीकी और व्हीकल डायनामिक्स मेंबर नजमुज़ाहरा मौजूद। आप दोनों को वेलकम करते हैं। सबसे पहले ये बताइएगा कि ये आइडिया कहाँ से आया और फिर आइडिया को किस तरह से आपने तकमील तक पहुँचाया। हम लोग स्टार्ट किया था हम लोगों ने 2012 में और वहाँ से एज अ फाइनल ईयर प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था स्टूडेंट्स का। वहाँ से फिर हमने अब तक 8 व्हीकल्स बनाई हैं और वो सारी कंबशन व्हीकल्स थी लेकिन इस टाइम हम हाइब्रिड व्हीकल बना रहे हैं। वेरी नाइस। तो मुझे ये बताएं कि जब आपको ये आपने सोचा कि काम में कर हम दोनों मिलके या हमारी पूरी टीम होगी आपकी इसमें पूरी वो मिलकर काम कर रही थी हाइब्रिड फार्मूला कार, ये बनाने में कितनी मेहनत लगी, कितना वक्त लगा और कितना खर्चा भी लगा? हर साल हमारे पास 1 ईयर ही होता है और हर साल नई डिज़ाइन नई मैन्युफैक्चरिंग होती है और उसके एंड में हमें फार्मूला स्टूडेंट कॉम्पिटिशन में अपने आप को रिप्रेजेंट करना होता है। अच्छा, अब आप दोनों से ये सवाल है, ये भी बताइएगा कि बेसिकली ये प्रोजेक्ट है क्या, हमारे नाज़रीन को सादा अल्फाज में बताएं। वैसे तो फार्मूला कार सबको पता है, हाइब्रिड फार्मूला कार कैसे ये काम करती है और ओवरऑल इसका पाकिस्तान की इंडस्ट्री में भी कोई फ़ायदा पहुंचेगा इससे इसको? अच्छा, तो बेसिकली हम एज नज स्टूडेंट्स हम एक फार्मूला स्टूडेंट टीम का पार्ट है। हम फार्मूला स्टूडेंट कॉम्पिटिशन होते हैं यूरोप में अलग अलग जगह पर, हम उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और इसका बेसिकली यही होता है कि इंजीनियरिंग जो आप थियोरेटिकल लर्निंग आपकी क्लास में हो रही होती है वो आप इम्प्लीमेंट कर सको प्रैक्टिकली भी और आप मतलब स्टूडेंट्स उसको आफ्टर स्कूल आवर्स मतलब कर रहे होते हैं और मिल के लाइक ये है कि जो स्टूडेंट यहाँ से सीख कर जाते हैं फिर वो आगे इंडस्ट्रीज में भी मतलब एक बेहतर इंजीनियर के तौर पर काम। अतीका एंड नजमुज़ाहरा ये भी बताइए कि वैसे तो ज़्यादातर लड़कों को इस तरह के शौक होते हैं कार रेसिंग के या गाड़ियों के, खवातीन में ये शौक कम ही पाए जाते हैं, क्या ऐसा है? जी ऐसा बहुत है और हमारी टीम में भी काफ़ी गर्ल्स हैं जो बहुत इंटरेस्ट है और बहुत पैशन से काम। अच्छा ठीक है, सारे मिशन में आपका बतौर जो किरदार था वो सीनियर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के तौर पर आपने निभाया, सारी जो मेहनत थी क्या रोल था आपका वो सब बताएं। एज अ मार्केटिंग मेम्बर मैं डिज़ाइन एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग की तरफ हूँ ज़्यादातर एंड ऑन द स्पॉन्सर साइड हमारे पास काफ़ी सारे स्पॉन्सर्स हैं जैसे PSO, मिडास एंड टेस्ला एंड वी आर वेरी हैप्पी कि हमने उनकी स्पॉन्सरशिप अक्वायर की। तो अभी फ्यूचर गोल्स क्या है, आप मजीद किस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं या इस प्रोजेक्ट को किसी बड़े लेवल पर लेके जा रहे हैं? जी हम लोग वी आर ऑप्टिंग फॉर स्टेम एजुकेशन इन स्टूडेंट्स। हम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ नहीं स्कूल्स में जाके जो है स्टूडेंट्स को इंजीनियरिंग एजुकेशन स्टेम से रिलेटेड देते हैं ताकि वो भी इस चीज़ से फैमिलाइज हो जाएं और उनमें भी इस नॉलेज का मतलब आम हो जाए। ठीक। अब इतिका एंड नजम, आप दोनों से एक सवाल मेरा ये है कि आप दोनों एक नौजवान तालबेल में कह लें कि यंग स्टूडेंट्स हैं आप दोनों, तो ये बताइएगा कि पाकिस्तानी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री का क्या फ्यूचर आप देख रहे हैं? बहुत ब्राइट फ्यूचर हम देख रहे हैं इंशाल्लाह, क्योंकि नॉट जस्ट जैसे हम नज फॉर्मूला स्टूडेंट पहली टीम थी फ्रॉम पाकिस्तान जिसने फॉर्मूला स्टूडेंट कंपटीशन में 2012 में जाके पार्टिसिपेट किया, उसके बाद से हम कई यूनिवर्सिटीज में देख रहे हैं, NED हो गया नज के दूसरे कैंपसेस हो गए उसमें भी इस तरह की टीम में हमारे अपने कैंपसेस से दो ठीक है। नजमुज़ाहरा और अतीका हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं, सुनो पाकिस्तान की पूरी टीम आपको मुबारकबाद पेश करती है, मजीद आगे बढ़े, कामयाब हो, पाकिस्तान का नाम फखर से बुलंद करें। पाकिस्तान की यंग स्टूडेंट्स जब इस तरह से आगे आती हैं, इस तरह से काम करती हैं पाकिस्तान के लिए, तो इट्स वेरी गुड इनिशिएटिव एंड वेरी गुड थिंग।